हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी हम करा रहे हैं और टॉपिक वाइज जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है उसकी वीडियोस अलग अलग बना चुके हैं और अब और जो बची हुई वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी हो। ओके फ्रेंड्स, जनरल साइंस की हमारी सीरीज चल रही है। केमिस्ट्री के दोस्तों मेरे 7 पार्ट कम्प्लीट हो चुके हैं, ये मेरा 8वां पार्ट है। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरीके से टॉपिक्स मैं आपके लिए ला रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला अगर आपने इससे अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर ली है। और ये एक बार प्रिपरेशन करेंगे तो आपके सारे एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट अलॉयज ऑफ मेटल, धातुओं के महत्वपूर्ण विषय। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको मेटल्स पढ़ा दिया था दोस्तों, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये लेक्चर पढ़िएगा। इसमें बताऊँगा कि जो इंपॉर्टेंट पूछा था एग्ज़ाम में कि ये इंपॉर्टेंट एलॉयज का किस मेटल से मिलता है, तो काफ़ी क्वेश्चन इस एग्जाम से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एलॉयज ऑफ मेटल। फ्रेंड्स, एलॉय होता क्या है? एलॉय को हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु। ये होता क्या है? देखिए, एलॉय एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल। देखिए, दो या उससे ज़्यादा मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिला के जो मिक्सचर बनता है ना, उसे हम कहते हैं अलॉय। और ये देखिए जाना कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको सोल्यूशन वगैरह पढ़ा था कि होमोजेनियस सोल्यूशन क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जिसमें आप पता ना कर पाएँ कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी चीज़ कहाँ है। जैसे सपोज करो शुगर और पानी, वो जब आप मिलाते हो तो कहीं पता लगा सकते हो कि शुगर कहाँ है और पानी कहाँ है? नहीं पता लगा सकते ना। तो उसी तरह आप बताइए, दो मेटल्स को मिला के एक अलॉय बनाया जाता है, मिश्र धातु बनाया जाता है। तो उसमें आप ये नहीं पता लगा सकते कि कौन सा जो मेटल मिलाया गया है वो किस जगह पे है, कितना परसेंटेज में है। तो उसे हम कहते हैं दोस्तों होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये फ्रेंड्स अलॉय होता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर जैसे सपोज ये एक मेटल है और ये एक मेटल है, इन दोनों को मिला के जो मिलाया गया इसे हम बोलेंगे अलॉय। ओके फ्रेंड्स, या फिर मेटल और नॉन मेटल को भी मिलाया जाता है तो इससे भी अलॉय बनता है। आप देखिए दोस्तों, अलॉय बनाए क्यों आते हैं, वाई अलॉयज आर मेड। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि एक्चुअली हमें कई चीज़ें हमारी लाइफ में चाहिए होती हैं, हमें इंडस्ट्री में चाहिए होता है, कुछ ऐसी चीज़ें है ना जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। उस हमें कोई फला चीज़ चाहिए होती है जिसकी प्रॉपर्टी ये हो। जैसे सपोज करो आपको बर्तन बनाना है, तो बर्तन हमेशा क्या होता है, पानी में होता है। तो अगर पानी से जंग लग जाएगा तो आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। तो आप ये चाहते हो कि आपका जो बर्तन हो वो इस पर जंग ना लगे, तो इसीलिए स्टील का आविष्कार हुआ, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार हुआ। तो जो आप बेसिकली चाहते हो, डिज़ायर करते हो ना, उसी के हिसाब से मेटल का डिस्कवरी होती है। मेटल्स बेसिकली हमें अलग अलग प्रॉपर्टी चाहिए। मान लो हमें स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ चाहिए है ना, हमें काफ़ी मेलिबल चीज़ चाहिए, मतलब कि उसको आराम से बीट करके उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकें है ना। तो उसकी जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें डिज़ायर होती है, इसीलिए हम लोग अलॉयज बनाते हैं। कुछ अलॉयज में दोस्तों नॉन मेटल भी मिलाया जाता है, जैसे कि कार्बन। मैं बता चुका था कि मेटल और नॉन मेटल मिला के भी अलॉयज बनाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अलॉय से हमारा जो मेटल होता है वो कोरोजन से भी बचता है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि कोरोजन से बचाने के कारण, तो उसमें बताया था कि अलॉय भी एक ऐसा तरीका है जिससे हम कोरोजन से बच सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था गैल्वनाइजेशन, पेंटिंग, उसी तरीके से अलॉयिंग भी है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपका जो आपके यहाँ घर में आपकी बहन या आपकी मम्मी पहनती होंगी जो गहने, वो भी अलॉय होते हैं। वो प्योर गोल्ड नहीं होते हैं, वो अलॉय होते हैं। बताएंगे अभी आगे। आपने देखा होगा ओलंपिक में लोग मेडल्स पहनते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों बड़े बड़े टावर बिजली के, वो सब क्या है, वो सब अलॉय से बने हैं, किसी प्योर मेटल से नहीं बनते हैं, वो सब अलॉय से बनते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अलॉयज। देखिए दोस्तों, ब्रास, पीछे से हम बोलते हैं पीतल। पीतल किससे मिलकर बनता है? कॉपर और जिंक। किससे मिलकर बनता है? कॉपर और जिंक। कॉपर का होता है 80% और जिंक का होता है 20%। देखिए दोस्तों, जिसका ज़्यादा परसेंट होता है उसी से माना जाता है। सपोज जैसे यहाँ पर कॉपर का परसेंटेज 80 है, तो इसको क्या माना जाएगा? इसको माना जाएगा कि ये किसका अलॉय है, ब्रास किसका अलॉय है, ब्रास जो है कॉपर का अलॉय है। ओके फ्रेंड्स, ये जो होता है ब्रास, ये ज़्यादातर मोर मेलिबल और डक्टाइल होता है। मतलब अगर आप बात करें प्योर कॉपर से, तो प्योर कॉपर से ज़्यादा मेलिएबल और प्योर कॉपर से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। दोस्तों इसका कलर जो होता है वो गोल्डन कलर होता है। और ये जो होता है ये यूटेंसिल मतलब बर्तन बनाने काम आता है, स्क्रू बनाने में, बोल्ट तार बनाने में काम आता है, और कुछ ऑर्नामेंट्स बनाने में भी काम आता है। ऑर्नामेंट्स मतलब कि कुछ अच्छी वस्तुएँ है ना, वो सब बनाने में भी काम आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये चीज़। ओके फ्रेंड्स,
देखिए इसे स्क्रू बनाने में काम आ रहा है ना, ये कुछ बर्तन वगैरह में काम आ रहा है आपके, पीतल के बर्तन। आप देखिए दोस्तों ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या होता है, कांस। देखिए ये किससे मिलकर बनता है, ये कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। कॉपर 90% है, टिन 10% है, क्योंकि ज़्यादा परसेंट कार्बन का है, कॉपर का है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉपर का अलॉय। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और कोरोजन से रेजिस्टेंस होता है, मतलब इस पर कोरोजन नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है मेडल, मेडल में यूज़ होता है, पुराने जो सिक्के थे उसमें ये यूज़ होता था, कुछ बर्तन में भी यूज़ होता है, बर्तन बनाने में। तो इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है दोस्तों, जो मेडल्स होता है उसमें ब्रॉन्ज का यूज होता है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ये जैसा है गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज के जो मेडल होते हैं वो मेडल में काम आते हैं। जर्मन सिल्वर, देखिए दोस्तों जो जर्मन सिल्वर होता है ये भी तीन मेडल से मिलकर बनता है, कॉपर जिंक और निकल। कॉपर का परसेंट 60 होता है, जिंक का 20 और निकल का भी 20, क्योंकि ज़्यादा परसेंट कार्बन का है, कॉपर का है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं कॉपर का अलॉय। देखिए दोस्तों ये जो है आपका कॉपर जर्मन सिल्वर जो है, जो आपकी बेसिकली वो पूरी क्रॉकरी नहीं आती है इसकी, सपोज के लिए बर्तनों की, तो देखिए सफ़ेद सफ़ेद चम्मच होते हैं एकदम अच्छे से एकदम खूबसूरत, है ना, और ये उसी में जर्मन सिल्वर भी यूज़ होता है। दोस्तों ज्वेलरी में भी यूज़ होता है, जैसे गहने वगैरह में, जैसे आपने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद, और प्योर सिल्वर नहीं होते बल्कि जर्मन सिल्वर होते हैं, इसमें सिल्वर नहीं है लेकिन जर्मन सिल्वर है, तो ये इसमें भी यूज़ होता है। कंपोजिशन ध्यान रखिए दोस्तों, कंपोजिशन काफ़ी एग्जाम में पूछता है। सोल्डर, सोल्डर किसका अलॉय है, देखिए सोल्डर जो होता है ये लेड और टिन से मिलकर बनता है, लेड भी 50% होता है और टिन भी 50% होता है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, मतलब कि बहुत ही जल्दी आराम से ये पिघल जाता है, इसीलिए दोस्तों क्या होता है इसको तार को जोड़ने में काम करते हैं, आपने देखा होगा तार जो जोड़ते हैं वो इसी सोल्डर से करते हैं, तो दो तार को जोड़ने में काम आता है, ऐसे गला के देखा होगा, अपने गला के इसको जोड़ देते हैं। एमलगम बहुत इंपॉर्टेंट है, एमलगम जो होता है ये किससे मिलकर बनता है, मरकरी सिल्वर जिंक और टिन। हाईएस्ट परसेंटेज जो होता है वो मरकरी का होता है, इसीलिए इसको मरकरी का अलॉय बोलते हैं। देखिए दोस्तों जब दांत सड़ जाते हैं, बल्कि दांत में जब खोल हो जाता है तो दांत में इस एमलगम को भरा जाता है, तो ये बेसिकली दांत जो फिलिंग होती है वो इसी एमलगम से होती है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से लगता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, एक दो बार देखेंगे तो जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप देखिए गोल्ड के अलॉय, देखिए दोस्तों जो गोल्ड की प्योरिटी होती है वो कैरेट में होती है, किसमें होती है, कैरेट में, जैसे 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो प्योर माना जाता है, लेकिन प्योर गोल्ड दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसको इसलिए गहने इससे हम बना नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसीलिए करते क्या हैं जो वो होते हैं जो गहने जो बनाए जाते हैं वो गोल्ड में सिल्वर या कॉपर को मिला के बनाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो गोल्ड में क्या करते हैं, सिल्वर या कॉपर मिलाते हैं। सपोज 22 कैरेट गोल्ड है, जो हमारे इंडिया में 22 कैरेट गोल्ड काफ़ी बिकता है, तो इसका मतलब 22 पार्ट्स जो है प्योर गोल्ड का है, बाकी जो दो पार्ट है ना वो सिल्वर मिला दिया गया है इसमें, या तो कॉपर मिला दिया गया है। ये देखिए दोस्तों ये प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड में कॉपर भी मिला सकते हैं और सिल्वर भी मिला सकते हैं। आपने गहने देखा होगा, ज़्यादातर गहने एक बार गहने जो होते हैं वो बिल्कुल लाल मारते हैं, तो वो कॉपर उसके अंदर कॉपर मिलाया गया है, और जो हल्का सा वाइटिश मारते हैं सपोज करिए उसमें सिल्वर मिलाया गया है। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों 22 कैरेट का जो गोल्ड होता है इसमें, इसका मतलब इसमें जो परसेंटेज है गोल्ड का वो 91.67% है। उसी तरह अगर 18 कैरेट का गोल्ड है तो इसका मतलब इसमें जो गोल्ड का परसेंटेज है वो 75 है। अगर 24 कैरेट गोल्ड है इसका मतलब इसमें परसेंटेज लगभग 100% है। ड्यूरेलियम को देखो, ड्यूरेल्यूमिन, देखिए ड्यूरेल्यूमिन को जो है ड्यूरेलियम भी बोलते हैं दोस्तों। इसमें क्या क्या मिलकर बनता है, ये एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीशियम और मैग्नीज से मिलकर बनता है, चार मेटल से मिलकर बनता है। परसेंटेज देखिए एल्यूमिनियम जो होता है वह 95% है, कॉपर 4% है, मैग्नीशियम 0.5% और मैग्नीज भी 0.5%। देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, एल्यूमिनियम का है, इसीलिए इसको एल्यूमिनियम का अलॉय बोलते हैं। फ्रेंड्स ये एल्युमिनियम से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और बहुत ही हल्का होता है, जितना हल्का एल्युमिनियम होता है उतना ही हल्का ये भी होता है, लेकिन एल्युमिनियम से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग और हल्का होने के कारण इसको जो है दोस्तों एयरक्राफ्ट बॉडीज में करते हैं, जो एरोप्लेन में जो दोस्तों जो पूरी एरोप्लेन की जो बॉडी होती है ना वो इसी से बनी होती है, जो इतनी स्पेस में सेटेलाइट जाती हैं वो भी इससे बनी होती है, क्योंकि हल्की होती हैं और मजबूत होती हैं। आपका जो प्रेशर कुकर है वो भी इससे बनता है। ओके फ्रेंड्स, और दोस्तों जो समुद्र का पानी है उससे इससे जंग नहीं लगता है, इसकी वजह से जो शिप में जो जहाज होते हैं उनकी बॉडी जो है इससे बनाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए एयरक्राफ्ट में भी, शिप में भी और गन में भी कुछ जगह ये ड्यूरेलियम यूज़ होता है, क्योंकि गन हल्की होनी चाहिए, गन भारी हो तो कैसे हैंडल करेंगे आप।
देखिए मैग्नीलियम जो होता है ये भी दोस्तों एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर बनाया जाता है। एल्युमिनियम का 95% होता है और मैग्नीशियम का 5% होता है, ये 5% होगा है ना। आप देखिए एल्युमिनियम का ज़्यादा परसेंटेज है इसीलिए इसको एल्युमिनियम का अलॉय बोलते हैं। ये भी दोस्तों प्योर एल्युमिनियम से हार्ड होता है, हल्का होता है, इसलिए इसको कहीं कहीं एयरक्राफ्ट और जो ऑटोमोबाइल जैसे कि ऑटोमोबाइल होते हैं कार वगैरह बाइक वगैरह उसमें भी यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बैलेंस बीम में यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखा होगा कि एल्युमिनियम का रहता है, बैलेंस बीम में भी इसको यूज़ करते हैं। अब आता है स्टील। स्टील तो आपने काफ़ी सुना होगा, स्टील में क्या होता है देखिए दोस्तों, स्टील में आयरन और कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन की जो मात्रा होती है वो 0.1 से 1.5% होती है। ओके फ्रेंड्स, स्टील जो होता है दोस्तों बहुत हार्ड होता है, मतलब प्योर आयरन से बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और स्ट्रांग होता है, इसीलिए देखिए स्टील को यूज़ कहाँ करते हैं, देखिए टावर बनाने में यूज़ करते हैं, जो टावर होता है आपका, आपका देखिए रेलवे ब्रिज, रेलवे की लाइन होती हैं वो भी यूज़ होती हैं, पुल बनाने में काम करते हैं, व्हीकल्स बनाने में भी स्टील का काम होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है मैंने बताया 0.1 से 1.5% है, इसी कार्बन परसेंटेज को अगर हम वेरी करते रहेंगे ना तो स्टील की वैरायटी भी वेरी होती रहेगी। जैसे सब एक होता है माइल्ड स्टील, क्या बोलते हैं उसे नोट कर लीजिएगा, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील को हम लोग लो कार्बन स्टील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लो कार्बन स्टील। इसमें जो स्टील की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा, वो 0.05 से लेकर लगभग 0.25% तक होती है, तो बहुत ही कम स्टील होती है। उसके बाद हाई कार्बन स्टील, जैसे जैसे आप कार्बन की मात्रा बढ़ाते जाएंगे आपकी स्टील वैसे वैसे बढ़ अच्छी होती जाएगी, क्योंकि कार्बन से ही चीज़ें स्ट्रांग होती है। आप देखिए दोस्तों स्टेनलेस स्टील, देखिए स्टेनलेस स्टील जो होता है वो आयरन, क्रोमियम और निकल से मिलकर बनता है। क्रोमियम और निकल मिला के जो परसेंटेज होता है वो 18% होता है। देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और इससे और ये छोड़ भी इस पर जंग नहीं लगती, इसलिए दोस्तों इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जो कि जो आपके बर्तन होते हैं ना, मैं बताया बर्तन, वो स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। आपका देखिए वो जो होता है ब्लेड वगैरह होती है वो स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। आपके जो ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं जो उसके सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, ऑपरेशन कैची वगैरह जो हुई वो सब स्टेनलेस स्टील की बनी होती है ना दोस्तों। जो आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल्स में ये बेड होता है स्टेनलेस स्टील का, ये भी होता है, तो इन सब जगह स्टेनलेस स्टील का काम आता है। कंपोजिशन ध्यान रखिएगा, वो एग्जाम में काफ़ी पूछ लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड, बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोटा सा चैप्टर था जो कि अब डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए मैं सेपरेट आपके लिए लेक्चर ले आया। ओके फ्रेंड, बहुत जल्द एक दो लेक्चर में केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग आगे के लेक्चर पे पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।